तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। मैं जानता हूँ कई दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि एग्जाम चल रहे थे और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, लाइव स्ट्रीम सेटअप करनी थी और ग्रीन स्क्रीन भी। तो सब कुछ होने के बाद अब आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेंगे रेगुलरली। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सैमसंग गैलेक्सी A9 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 के बारे में। देखेंगे कैसे हैं इसके लुक्स, क्या है स्पेसिफिकेशन, जो आपने अनबॉक्सिंग आपने जो टेक्निकल गुरु जी की देखी होगी, आप किसी की भी देखी होगी सैमसंग गैलेक्सी A9 के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा कि 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन है। तो देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आती हैं और क्या कुछ सैमसंग हमें इस स्मार्टफोन में देता है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ मैं वारिन सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, आइए शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले स्मार्टफोन के जो लुक्स निकल के आते हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वो है एंड्रॉइड का ओरियो 8.0 और इसमें जो आपका स्मार्टफोन का जो वेट निकल के आता है वो है 183 ग्राम। इसमें जो आपको कलर देखने को मिलेगा वो है ब्लैक, पिंक और ब्लू। मटेरियल में इसमें इस्तेमाल किया गया है पॉलीकार्बोनेटिक। इसकी जो स्क्रीन साइज है वो 6.3 इंचेस की। इसका जो पिक्सल डिस्टेंस है वो है 392 पिक्सल्स का। टेक्नोलॉजी है सुपर एमोलेड। इसमें जो आपको डिस्प्ले में फीचर देखने को मिलते हैं वो है कैपेसिटिव मल्टीटच 2.5D कर्व ग्लासेस। बात कर लेते हैं इसके मेन हाइलाइट के बारे में जो कि है इसके कैमरे, जो इसमें आपको बैक साइड में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। तो जो पहला कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, दूसरा है 10 मेगापिक्सल का, जो तीसरा है वो है 24 मेगापिक्सल का और जो चौथा कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। तो जो यहाँ पे जो आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो आपको टेलीफोटो में काम आएगा और सारे कैमरा मिला जुला काफी बढ़िया आपको फोटो देखने को मिलेगी। क्योंकि 4 कैमरे, मतलब सोचो सैमसंग ने पहली बार, मतलब कोई ऐसा फोन होगा मार्केट में जिसने पहली बार 4 कैमरे निकाले हैं। अब देखना ये है कि 5 कैमरे किसमें आते हैं, जैसे कि नोकिया दावा कर रहा है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का। बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में, जिसमें आपको जो चिपसेट देखने को मिल रहा है वो है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 660 और इस स्मार्टफोन में आपको 8 कोर का सीपीयू देखने को मिल जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं जीपीयू की, तो कॉलकॉम का एड्रेनल 512 देखने को मिलेगा। रैम में आपको इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB का और 8GB का। इंटरनल स्टोरेज जो आपको देखने को मिलेगी वो है 128GB की। एसडी कार्ड लगा के आप इसकी स्टोरेज जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 3800mAh की बैटरी मिल जाएगी, रिमूवल नहीं है और इसमें आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको टाइप सी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं सिम की, तो इसमें आपको सिम आप डुअल सिम स्मार्टफोन है, पड़ा आप इसमें एक ही सिम डाल सकते हैं क्योंकि जो दूसरा है वो है ईसिम है और जो दूसरी जगह मिलेगी वो आपको एसडी कार्ड के लिए मिलेगी। तो एक सिम एक एसडी कार्ड डाल सकते हैं, दूसरा सिम चलाना है तो आपको ईसिम से चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो जो मेरे ख्याल से इसका प्राइस हो सकता है वो हो सकता है तो 40-60 के अंदर आपको आ सकता है ये स्मार्टफोन, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आपने आपको हैंड्स ऑन रिव्यू अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो काफी बढ़िया लुक्स में है, स्पेसिफिकेशन भी काफी सही है, तो मेरे हिसाब से ये 40-60 के अंदर आना चाहिए स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो बताई जा रही है वो है अक्टूबर 2018। अब देखना ये है कि इसे कब तक आता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो सैमसंग ने कहा है कि ये नवंबर में लॉन्च होगा। अब हो सकता है शायद सैमसंग तभी इंडिया में भी लॉन्च कर दे, जैसे कि नवंबर में बता रहा है सैमसंग, तो हो सकता है नवंबर में भी इंडिया में आ जाए। अब देखते हैं सैमसंग क्या करता है। तो दोस्तों ये थी स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी A9 के बारे में। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। रोजाना इसी तरह की टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल गेमिंग पीसी रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए आपके लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊंगा। तब तक ले जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।